अस्सलाम वालेकुम। लूज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। आज लूज टॉक में बहुत संजीदा गुफ्तगू आपको सुनना पड़ेगी। आज ईद है, 7 अक्टूबर को हमारे वतन अजीज़ के 15 करोड़ लोग ईद का इंतज़ार कर रहे थे। ईद आ गई मगर हर आँख अश्कबार है, हर चेहरा उदास है। 8 अक्टूबर को हमारे वतन से मोहब्बत करने वाले, रखवाले, मुस्तकबिल के चिराग हमसे रुखसत हो गए। हमको शायर न कहो मीर के साहब, हमने रंजो गम इतने किए जमा तो दीवान हुआ। 8 अक्टूबर से लेकर आज तक की खबरें हम जमा करें और उनकी कुलियात छापें तो सिवाय दुख और दर्द के हमें पढ़ने को और कुछ नहीं मिलेगा। आज मेरे मेहमान हैं बालाकोट के बच्चों के स्कूल के एक उस्ताद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जानता हूँ वो रहमान है, रहीम है, मगर ईद मुबारक कहने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मैं अब गालिब की तरह से निजात का तालिब हूं। आप बालाकोट में स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाते थे, मैं बदनसीब मौजूद हूं। पढ़ने वाले सारे बच्चे खत्म हो गए, मुझे सर कह के पुकारने वाले सारे चेहरे खत्म हो गए। बीमारी की वजह से मैंने छुट्टी ले ली थी, मुझे क्या अब मुझे क्या पता था कि मेरी हमेशा के लिए छुट्टी हो गई है। मैं भी उन बच्चों के साथ खत्म क्यों नहीं हो गया, मैं भी उन बच्चों के साथ क्यों नहीं खत्म हो गया। मोहब्बत, इज्जत, प्यार, शोहरत सब कुछ खत्म हो गया, बस नदामत बाकी है। कुदरत के निज़ाम में इंसान क्या कर सकता है। हमारी तहजीब में उस्ताद का दर्जा वालदैन के बराबर है। उन मासूमों की वजह से तो मैं उस्ताद था। सरवर खान जी हाजिर।
रेशमा बीबी जी। हाँ सर। करीम खान जी। हाँ सर। आमना बीबी जी। हाँ सर। मगर अब गिरी हुई दीवारों के पास जाके चिल्लाता हूं, रुस्तम खान, आमना बीबी, करीम खान, मगर कहीं से जी हासिर की आवाज नहीं आती। और बहुत से बच्चे हैं जिनको आपको रास्ते दिखाने हैं, अच्छे और बुरे में तमीज करवाना है, आपको उनका मुस्तकबिल संवारना है। ऐसा लगता है जैसे उन मासूम बच्चों का रोशन मुस्तकबिल कहीं अंधेरे में गायब हो गया। उन बच्चों के मुस्तकबिल पे मेरी गिरफ्त बहुत मजबूत थी, बहुत मजबूत थी, मगर अब सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं रहा। सर आप बहादुर हैं और बहादुर रोते नहीं, हर सानहे का मुकाबला करते हैं। मैं आपके लिए पानी मंगवाऊं? नहीं पीऊंगा पानी, नहीं पीऊंगा। बच्चों का रोजा था और लोग कह रहे हैं कि ये अजाब था। मासूम बच्चों पे कैसे अजाब आ सकता? अल्लाह आपको सलामत रखे। सर वक्त बहुत बड़ा मरहम है, हर दुख, हर दर्द, हर गम को भुला देता है। क्या पता आने वाला वक्त छोटे बच्चों को पढ़ते हुए देखकर आपके दुख में कुछ कमी कर दे। महरूमी का यह एहसास सारी जिंदगी रहेगा, ये कभी ही न खत्म होने वाला एहसास है। मैं कभी नहीं पढ़ूंगा, मैं कभी नहीं पढ़ाऊंगा। मेरा बहुत नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है मेरा। मेरे दीन में खुदकुशी की इजाजत नहीं है, वरना मैं भी किसी पहाड़ से कूद के अपनी जान दे देता हूं। सर आपके इलाके में तामीरी काम शुरू हो चुका है, नए मकानात बनाए जा रहे हैं, नए स्कूल खोले जा रहे हैं, नए रास्ते तलाश किए जा रहे हैं। उनमें रहने वाले कहां से लाएंगे? स्कूल जाने वाले कहां से लाएंगे? रास्तों पर चलने वाले कहां से लाएंगे? सारी दुनिया की दौलत भी अगर उस इलाके में लाके रख दी जाए तब भी ये नुकसान इसी तरह रहेगा, ऐसे ही रहेगा। शहीद मस्जिदों में से अजान आती है, नमाजी नहीं है। गुफ्तगू जारी है।
मुलाकात होगी वक्फे के बाद। माफ कीजिएगा, गुफ्तगू के दौरान वक्फा ज़रूरी था। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि बच्चों को आपसे तालीम हासिल करना है, ये हक आप उनसे नहीं छीन सकते, आपको तो पढ़ाना है। तो एक बच्चा रोता हुआ मेरी तरफ आया और मुझसे चिमट गया, कहने लगा, सर अब आप मुझे होमवर्क मत दीजिएगा, मुझे होमवर्क मत दीजिएगा। मैंने कहा क्यों बेटा? कहने लगा मेरा अब कोई होम ही नहीं रहा। कहने लगा मुझे 10 का पहाड़ा कौन पढ़ाएगा, अल्लामा इकबाल की नज्म मुझे कौन याद कराएगा, कैद के पाकिस्तान के बारे में मुझे कौन बताएगा। कहने लगा मेरा भाई नहीं मिल रहा, तुम मुझे बता अनवर मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ, कैसे पढ़ा सकता हूँ। एक उस्ताद पढ़ाने के अलावा और क्या कर सकता है? आज अक्टूबर से लेके अब तक मैं सोया नहीं अनवर, रात रात भर बिखरे हुए पहाड़ों के पीछे से उन मासूम बच्चों के गाने की सदाएं आती है, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम की सूरत हो खुदाया मेरी। सर दुआ यही रहेगी, चेहरे बदल जाएंगे, उन चेहरों को आपकी जरा सी शफकत चाहिए। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम की। जिंदगी रही न मोहब्बत रही, और इल्म की शमा भी बुझ गई। आपके साथ कौन कौन रहता है? मैं तन्हा रहता हूं, मेरी एक बहन है जो इंग्लिस्तान में अपने शौहर के साथ रहती है, बच्चों से मेरा बहुत पुराना रिश्ता था, आठ अक्टूबर फजर की नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ा, सोचा स्कूल हुआ हूं
लेकिन कमर की तकलीफ ने मुझे इजाजत न दी। मैं लेट गया और बच्चों की कापियां चेक करने लगा। मजमून दिया था एक, उस्ताद से शागिर्द का रिश्ता। और एक बच्चे का मजमून पढ़ते हुए तो मैं हंस पड़ा। लिखता है अलिफ से अल्लाह, अलिफ से अबू, अलिफ से अम्मी और अलिफ से उस्ताद। जानते हैं उस मासूम ने क्या लिखा? लिखता है अल्लाह से मैं दुआ मांगता हूं, अम्मी से मैं रोटी मांगता हूं, अब्बू से मैं पैसे मांगता हूं और उस्ताद से मैं पनाह मांगता हूं। फिर सब कुछ हिलने लगा, सब कुछ हिलने लगा। मेरा मकान जमीन बोस हो गया। मैं बच गया इसलिए कि कच्चा मकान था। मेरे दिल में एकदम उन मासूम बच्चे और बच्चियों का ख्याल आया जो स्कूल में थे। मैं स्कूल की तरफ भागा, भागा मैं स्कूल की तरफ। मेरे दिल की धड़कन जो है बंद हो गई थी इसलिए कि जमीन धड़क रही थी। रास्ते काबू में नहीं आ रहे थे। हर तरफ एक शोर, एक शोर, एक चीख और पुकार। फिर अचानक जैसे जिंदगी ठहर गई। स्कूल की इमारत नजर नहीं आ रही थी। स्कूल की इमारत नजर नहीं आ रही थी। बच्चों का शोर खामोशी में तब्दील हो चुका था। क्या ये इम्तिहान था? ये इम्तिहान था सर। इम्तिहान 4 महीने बाद था अनवर। 4 महीने के बाद था इम्तिहान। मैं किसी और आलम में चला गया था। जो माँ बाप बच गए थे वो स्कूल की इमारत के पास दीवानावार चक्कर लगा रहे थे और चीख। मैं सजदे में गिर गया और मैंने अल्लाह से कहा मदद भेज, मेरे परवरदिगार मदद भेज। मिलते हैं वक्फे के बाद। सर आपने
गुफ्तगू के आगाज़ पे फरमाया था कि अल्लाह करीम है, अल्लाह रहीम है। बेशक मेरा सारा सरमाया लुट गया, जिंदगी की सारी कैफियतें खत्म हो गईं। जिंदगी बसर तो करनी है, सो मैं कर रहा हूं। तीन दिन तक स्कूल के मलबे के पास बैठा हुआ लोगों को तसल्लियां देता रहा, लेकिन ना कोई रास्ता नजर आया और ना ही कोई सूरत। फिर लोग आना शुरू हो गए, गैर मुल्की भी आए, फौजी भी आए, बारिशें शुरू हो गई। बच्चे बारिश के पानी से खेलते थे, कश्तियां बनाकर, कागज की कश्तियां बनाकर पानी में छोड़ देते थे। अब न बच्चे हैं न कागज की कश्तियां हैं, बरसाती नालों में अब सिर्फ बच्चों के बहते हुए बस्ते और तख्तियां नजर आती। ये कैसा इम्तिहान था? अब आपने क्या सोचा है? ये सवाल किसी जिंदा आदमी से करना चाहिए। मिट्टी के मकानों का साथ तो मिट्टी ने भी नहीं दिया, फिर इस खराबे में ये तामीर किसके लिए और क्यों हो रही है? सर, अल्लाह के कामों में इंसान क्या कर सकता है? बेशक बेशक, गिरे हुए दरख्तों के ऊपर परिंदे बैठ के ऐसी आवाजें निकालते हैं, लगता है दाना खिलाने वालों का मातम कर रहे हो। मैं आज भी उसी टूटे हुए घर में रहता हूं, मुझे ना कोई खेमा चाहिए ना कोई कंबल चाहिए और ना मुझे किसी किस्म की इमदाद दरकार है। मैं सारे रास्ते भूल गया हूं, सिर्फ एक रास्ता मुझे याद है, घर से मस्जिद का। कराची कैसे आना हुआ आपका? कुछ बच्चों को इलाज के लिए कराची लाया गया, मैं उनके साथ आया हूं। आज ईद है। जी हाँ, मैं ईद की नमाज पढ़ने गया था। आपके तवस्सुत से एक पैगाम देना चाहता हूं। ये जो तमाम चैनल्स वाले हैं, इनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे गुनाह को बख्श दीजिए, हम बहुत अजाब झेल चुके हैं, बहुत अजाब झेल चुके हैं। जो बच्चे जिंदा बच गए हैं और जो जख्मी बच्चे हैं, उनके टीवी पे इंटरव्यू दिखाने बंद कर दें। बताइए,
एक खातून एक बच्ची से पूछ रही है कि तुम्हारी क्लास की सारी बच्चियां मर गई हैं, तुम जिंदा बची हो, तुम कैसा महसूस कर रही हो? एक दम तोड़ती हुई बच्ची के क्लोजअप्स दिखाए गए। एक साहब एक बाप से कह रहे हैं, अगर ये सुतून गिर गया है तो यहां कोई कैसे बच सकता है? और बाप रोते हुए जवाब दे रहा है कि हो सकता है उस सुतून के पीछे मेरा बच्चा खेल रहा हो। बंद कर दीजिए ये तमाशा, पढ़े लिखे लोग हैं, इससे तो बेहतर था कि किसी मदरसे से तालीम हासिल कर लेते। इससे पहले के मेरा प्रोग्राम खत्म हो, आपको मुझसे एक वादा करना पड़ेगा कि आप बच्चों को पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाऊंगा मैं, किसको सुनाऊंगा कि उठो बेटा, आंखें खोलो, बिस्तर छोड़ो, अब मुंह धो लो, इतना सोना ठीक नहीं। सर, नया स्कूल तामीर होगा, नए दिए जलेंगे, फूल जैसे चेहरे दोबारा आपकी आंखों के सामने होंगे। आप मुझसे वादा करें कि आप पढ़ाएंगे। हाँ, पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे। एक वादा और बोलिए। एक वादा पहले आप कि जब दोबारा आप उन बच्चों के सामने जाएंगे पढ़ाने, तो आप अपने आंसू पोंछ लेंगे। ठीक है, मैं वादा करता हूं तुमसे। शुक्रिया सर। इजाजत लेने से पहले एक बात कह सकता हूं? जरूर। वो तमाम गैर मुल्की और मेरे वतन के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरी आंखों ने इंसानियत से इतनी लगाव इससे पहले कभी नहीं देखी थी। जो हमारे भाई वतन से दूर रह रहे हैं सर, उन लोगों ने भी ऐसा जज्बा, मतलब समझ में नहीं आता कि ऐसी मोहब्बत, ये मोहब्बत कहाँ थी? जिन लोगों के घरों के चराग रोशन हैं, उनके घर वालों को आजाद कश्मीर की जानिब से ईद मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।